तो कैसे हो भाई आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और भाई मैं अभी स्कूल पे मशीन खड़ी दोनों, और आज है ना बारिश का मौसम हो रहा है बिल्कुल। पहले मशीन के ऊपर साइलेंसर के ऊपर कुछ रखना पड़ेगा, बारिश आ गई है। ठीक है, ये बोतल पड़ी थी यहाँ पे कटी हुई, ये रखनी पड़ेगी साइलेंसर के ऊपर क्योंकि बारिश आ रही है, अभी शुरू होगी। तो भाई बारिश के टाइम है ना ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है, साइलेंसर के ऊपर ये कुछ रख दो यहाँ पे ताकि पानी की वो नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, उसका जो साइलेंसर वो मुड़ा हुआ है बिल्कुल सही है, उसमें इतनी प्रॉब्लम की वो नहीं होती उसमें। कल एन कमेंट आया था कि JCB की 3DX अच्छी है या फिर ये जो टाटा की 315E अच्छी है। तो भाई 2012 मॉडल जो JCB आती 3DX और ये भी 2012 मॉडल है। ठीक है, मैंने वो चलाई हुई है, 2012 मॉडल की 3DX आती थी, उससे तो ये बेटर है, मतलब उससे बढ़िया मशीन है ये। इतना कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसका, बिल्कुल स्लो स्लो चलती, इससे बहुत स्लो चलता है उसका बूम। ठीक है, और अगर आपको कंपेयर करना ही है तो अभी जो इसकी टाटा की मशीन आ रही है शिनराई और JCB 3DX, उसको कंपेयर करो आप, इसको इस वाली मशीन को जो अभी JCB 3DX आ रही उसके साथ कंपेयर करना बहुत गलत है। ठीक है, क्योंकि मतलब ये पुरानी मशीन है और वो अभी तो भाई JCB की एडवांस मशीन आ रही बहुत, और अभी सिर्फ टेरेक्स वाली जो मशीन आ रही है उनमें ये सिर्फ सिंग जैक आ रहा आगे का, और टाटा की मशीन थी और जो कैट की मशीन थी उन्होंने सबने बदल दिया पूरा अगला आगे से, वो दो दो जैक ऊपर से आते हैं ना वही आते हैं, वही सिस्टम है अभी इनमें, सिर्फ इसके अंदर ये सिस्टम आ रहा है टेरेक्स के अंदर। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी, ये जो रोड का काम चल रहा है ना हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा काम है मशीन का, बारिश आई थी, बारिश के अंदर कुछ काम हो गया वहाँ पे, मिलता हूँ आपको वहीं पे। कच्चा रास्ता है, बिल्कुल खराब रास्ता हो रहा है यहाँ से पूरा। तो भाई मैं आ गया हूँ साइड पे, और यहाँ पे ये काम है, ये जो मिट्टी कटी हुई है ना यहाँ पे जो साइड वाली, यहाँ पे भरनी है बस, ये वो जो नीचे वाली जो मिट्टी है उठा उठा के और यहाँ पे भरनी है, ये काम है यहाँ पे। ठीक है,
काम हो गया है यहाँ का फिनिश। ये जो थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी यहाँ पे, जैसे ये है ना, ये मतलब मिट्टी कटी हुई थी साइड में बरम की, ये करिए और आगे थोड़ा सा काम था वो कर दिया है। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल पे अपने। तो भाई मैं पहुँच गया स्कूल पे अपने, वो जो काम था वो कर आया था मैं। ठीक है, अभी कल कमेंट आया था कि भाई इसका जो टाटा 315 का जो प्रेशर हाइड्रोलिक वो कितना होना चाहिए। इसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो 3000 PSI से और 3500 PSI के बीच में रहता है। ठीक है, और इसका जो गेज होता है जो हाइड्रोलिक प्रेशर चेक करने का वो यहाँ पे होता है, ये जो MRV है यहीं पे। ठीक है, ये रही, इसके अंदर ही वो गेज फिट होता है। और हमारी जो प्रेशर ना, इसके मशीन का जो प्रेशर भाई सेट हुआ है ना, वो हुआ है 3300 PSI पे। ठीक है, जो इसका हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, वो जो हाइड्रोलिक का केज होता है ना, उसके अंदर एक पाइप होती है, वो इसके अंदर फिट होती है, ये जो MRV है इसके अंदर, उसके हिसाब से वो फिर जो उसका प्रेशर होता है ना, वो उसकी आ जाता है गेज के अंदर। भाई अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो मशीन के बारे में, इसके बारे में, या फिर वो टैरेक्स वाले के बारे में, तो आप कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है, और आज का व्लॉग भाई इतना ही था बस। ठीक है, मैं आ गया स्कूल पे अपने, और अभी हो रही बिल्कुल शाम हो रही बिल्कुल। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको कल एक और व्लॉग के साथ। अभी गर्मी इतनी तेज़ हो रही है, मशीन को वॉश भी करना था, पर गर्मी बहुत भयंकर वाली हो रही है। वॉशिंग के लिए हमारे पास ये टंकी प्रेशर वाली, ये ट्रैक्टर पे जो PTO से चलती है। ठीक है, ये इसका प्रेशर का सिस्टम है पूरा।